हेलो एवरीवन, 2024 मई जून सेशन में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं एसओएल द्वारा, वो मार्कशीट में कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं हमारी मार्कशीट में पास नहीं लिखा हुआ। जैसे सीजीपीए लिखा हुआ है ईयर वाइज, इसके आगे पास लिखकर आता है जनरली, लेकिन इस बार वो नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपके तरफ से नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस मार्कशीट में कोई टेक्निकल ग्लिचेस हैं। अब ये काफ़ी सारे बच्चों की मार्कशीट में पास नहीं लिखा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल ग्लिचेस हर एक बच्चे की मार्कशीट में होगी। नंबर दो, या तो इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं मार्कशीट को प्रेजेंट करने में, जिसकी वजह से वो पास वाला वर्ड ही उन लोगों ने वहाँ से हटा दिया। हालांकि रेगुलर की जो मार्कशीट आ रही है उसमें पास अभी भी लिखा हुआ है ईयर वाइज सीजीपीए के आगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो एसओएल की मार्कशीट है इसके आगे पास नहीं लिखकर आया है। तो आपको इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें एसओएल की तरफ से या एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही हैं। अगर ठीक होनी होगी तो कुछ टाइम में आप दोबारा से मार्कशीट डाउनलोड करके देखोगे तो ये सीजीपीए के आगे पास लिखकर आ जाएगा। अदरवाइज नहीं लिखकर आता तो ये मार्कशीट भी बिल्कुल वैलिड है, ऐसा नहीं है कि आपकी मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। अगर आपकी मार्कशीट में ग्रैंड सीजीपीए और डिवीज़न लिखा हुआ है, इट मीन्स आप पास हो, आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। किसी भी बच्चे का ईआर आता है तो वो रिज़ल्ट के सेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है ईआर, ठीक है। लेकिन इस बच्चे के रिज़ल्ट के सेक्शन में ब्लैंक है, ना तो पास लिखा हुआ ना ईआर लिखा हुआ, लेकिन ग्रैंड सीजीपीए इसकी आई हुई है, इसका मतलब ये स्टूडेंट पास है। कोई भी इसको परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम ठीक होनी होगी तो यहीं पर ठीक हो जाएगी। आप मार्कशीट को बार बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये मार्कशीट आपकी हर एक जगह वैलिड है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, ये सी जी बी आई के आगे आप देख सकते हो पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पुराने बच्चे की मार्कशीट है 2022 ग्रेजुएट की, तो उसके रेफरेंस में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रैंड सी जी पी और डिवीज़न इसका वैसे ही नीचे लिखा हुआ है, लेकिन सी जी बी आई के आगे ईयर वाइज पास भी लिखा हुआ है। ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, इस बार पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस होगा कुछ टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही ये मार्कशीट आप आगे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।